हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रगति। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ दिवाली डेकोरेशन से रिलेटेड आइडियाज़, जैसे कि फ्लावर रंगोली, डोर हैंगिंग, वॉल हैंगिंग। इस टाइप की छोटी छोटी डेकोरेशन करके दिवाली पर आप अपने घर को और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल पाएँ। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सारे डेकोरेटिव आइटम मैंने कैसे बनाए हैं, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बना रहे हैं डोर हैंगिंग। इसको आप अपने डोर पर लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने आम के पत्तों का यूज़ किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आम के पत्ते को फोल्ड करके मैंने यहाँ पर स्टेपल कर लिया है, इसको स्टेपलर कर दिया है, और सारे पत्तों को एक साथ फ्लावर की शेप देते हुए हम यहाँ पर भी एक बार स्टेपलर कर लेंगे। और अगर कोई लीव्स रह जाती है, कोई आम का पत्ता रह जाता है, तो उसको दोबारा इससे स्टेपल कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सुई धागे से सिल भी सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये फ्लावर को सिल रही हूँ। अगर आपके पास डबल वाली टेप है जो दोनों साइड से चिपकती है, डबल टेप, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक फ्लावर बनाकर बताया है। इसी तरह के 8 या 10 फ्लावर बनाकर आप अपने डोर पर यानी कि दरवाजे पर चिपका सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। सेकंड डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैं फिर से आपको डोर हैंगिंग यानी कि दरवाजे पर लगने वाला फ्लावर बता रही हूँ। इसको बनाने के लिए अगेन यहाँ पर हमने आम के पत्ते का यूज़ किया है। इसकी जो ऊपर की डंडी है, उसको मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। इस फ्लावर को बनाते टाइम आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। आम की पत्ती का जो कलर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, और जो पत्ती का साइज़ है वो भी थोड़ा सेम होना चाहिए, जिससे कि फ्लावर की एक अच्छी सी शेप हमको मिल जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने इस शेप को बनाया है और इसको मैंने यहाँ पर स्टेपलर कर लिया है। और ऊपर अगेन यहाँ पर हम एक गेंदे का फूल लेंगे यानी कि मैरीगोल्ड, और इसको भी मैं सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर सिल लूँगी। अगर आप इसको नहीं सिलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे वो ईजिली आराम से इसमें चिपक जाएगा। तो देखिए, हमारा ये फ्लावर रेडी हो चुका है। इस तरह के 8-10 फ्लावर बनाकर आप अपने दरवाजे पर डबल टेप की हेल्प से चिपका सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं ये वॉल हैंगिंग। इसको हम किसी भी दीवार पर लगा सकते हैं या फिर अपने मंदिर की वॉल पर लगा सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये कार्डबोर्ड, और इसको एक सर्कल शेप में कट कर लिया यानी कि एक गोल शेप में कट कर लिया है। आप चाहें तो मोटा कार्डबोर्ड या पतला कार्डबोर्ड अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा पतला वाला कार्डबोर्ड लिया है और ये एक सर्कल शेप हमने कट कर ली है। आप इसकी जगह स्क्वायर शेप भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर अगेन आम के पत्ते का यूज़ किया है। इसको हम डबल करके स्टेपल कर लेंगे। बेसिकली आम के पत्ते को डबल फोल्ड करने के बाद हमको अब इस सर्कल को पूरा इस आम के पत्तों से कवर करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। इस वॉल हैंगिंग को बनाते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। आपके आम के पत्तों का जो कलर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, और अगर आपके पास सेम साइज के पत्ते होंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। सेम साइज के पत्तों से ये सर्कल बिल्कुल इक्वली कवर हो जाएगा। अगर आप इन पत्तों को स्टेपलर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको सुई धागे से सिल भी सकते हैं। अब मैंने स्टेपलर का यूज़ इसलिए किया है, इसे ये बहुत जल्दी और ईजिली बन जाता है। आप चाहें तो इसको सुई धागे का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप इसको सिल सकते हैं। डेकोरेशन से रिलेटेड मैंने और भी कई वीडियोज़ अपने चैनल पर बनाए हैं इससे पहले, जैसे कि वाटर कैंडल। अगर आपने मेरे वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। ये जो मैंने यहाँ पर गेंदे के फूल लगाए हैं, इसको आप सुई धागे से भी सिल सकते हैं, या फिर सेम आपके पास अगर वही डबल वाली टेप है तो उससे भी आप इसको चिपका सकते हैं। तो देखिए, कितने सिंपल और ईजी तरीके से हमारी ये वॉल हैंगिंग रेडी हो चुकी है। इस टाइप के 3 या 4 वॉल हैंगिंग आप बनाकर अपनी दीवार पर लगा सकते हैं, जिससे कि वो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं अगेन एक डोर हैंगिंग। इसको आप अपने मेन डोर पर या फिर अपने मेन एंट्रेंस पर लगा सकते हैं, और ये देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल और इजी तरीके से बनने वाली डोर हैंगिंग है। इसको बनाने के लिए भी अगेन हम यहाँ पर आम के पत्तों का यूज़ कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर लगभग सेम साइज़ के आम के पत्ते का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सेम साइज़ के आम के पत्ते नहीं हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो बीच में यूज़ करेंगे वो बड़े पत्तों का यूज़ करेंगे, और साइड में मैंने यहाँ पर ये छोटी लीव्स का
यूज़ किया है। और बेस के लिए मैंने यहाँ पर ये नीचे कार्डबोर्ड का यूज़ किया है पतले वाले, और मैं इसमें अगेन फिर से स्टेपलर का यूज़ कर रही हूँ। एक एक पत्ते को हम इसमें कार्डबोर्ड में स्टेपल कर देंगे। कार्डबोर्ड की लेंथ यानी कि लंबाई आप अपने डोर के अकॉर्डिंग यानी कि अपने दरवाजे के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जितना बड़ा आपका दरवाज़ा है उसकी कार्डबोर्ड की लेंथ आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारे आम के पत्तों को हम इस कार्डबोर्ड में स्टेपल कर देंगे। दिवाली में आम के पत्तों का यूज़ काफ़ी शुभ माना जाता है, इसीलिए मैंने सारे डेकोरेटिव आइटम्स में आपको आम के पत्तों का यूज़ बताया है, और ये काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। कि जितने सारे डेकोरेटिव आइटम मैंने आपको बताए हैं, बनाना बताए हैं आज, वो काफ़ी लो बजट हैं। काफ़ी कम बजट में आप इसको अपने घर पर बनाकर इजीली रेडी कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इन फ्लावर्स को आप डबल टेप की हेल्प से चिपका भी सकते हैं, या फिर आप सुई धागे की हेल्प से इसको इनमें सिल भी सकते हैं। आप जो भी तरीका यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारी ये डोर हैंगिंग भी कितनी ईजी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट डेकोरेशन की तरफ। नेक्स्ट डेकोरेशन के लिए हम बनाने वाले हैं एक फ्लावर रंगोली, जिसमें मैंने फ्लावर का और आम के पत्तों का यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आम के पत्तों को लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, और उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। काफ़ी सारे आम के पत्तों को इसी तरीके से कट करके हम छोटे छोटे टुकड़ों में रेडी कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये गेंदे के फूल को लिया है, उसको तोड़कर मैंने इस तरीके से एक प्लेट में एक साथ इकट्ठा कर लिया है। इसी से हम अपनी रंगोली को बनाने वाले हैं। तो चलिए आइए अब हम रंगोली को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ यानी कि रोज़ पेटल्स। इसको हमने एक सर्कल शेप में यहाँ पर एक साथ इकट्ठा कर लिया है। उसी के बाद हम यहाँ पर ये गेंदे के फूल का यूज़ करेंगे। इसी को हम सर्कल शेप में इसी तरीके से यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एक ही रंगोली को मैं आपको डिफरेंट तरीके से चेंजेस करके बताऊंगी, जिससे कि आप अपनी रंगोली में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके बना सकते हैं। कुछ चीज़ें चेंज करने के बाद आपकी रंगोली बिल्कुल ही डिफरेंट लगने वाली है। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप देखिए ये फ्लावर रंगोली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।